A very big hello, my dear friends, and again, welcome to Being a Woman. Let the mind talk begin. शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो. दिस इज डॉक्टर लता एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ. और बहुत सारी लेडीज़ का मैं देखती हूँ कमेंट्स आते हैं वीडियोस के ऊपर कि हमारी घर के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे पति हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, या सास से हमारी नहीं बनती, इनके मम्मी और इनके पापा से हमारी नहीं बनती, लाइक और मदर इन लॉज लाइक दे आर लाइक मॉन्स्टर इन लॉज, वो कहीं कॉपरेट नहीं करती हैं, बहुत सारी शिकायतें रहती हैं. अब हमारा आज मेन टॉपिक यही है कि आप देखिए मेन कौन है आपके लिए, सबसे ज़्यादा आपके हस्बैंड है, उनके पीछे है आपके रिलेशन से बाकी से, तो उनसे एक रिस्पेक्ट एक प्यार किस तरह से पाया जाए, ये आज का हमारा टॉपिक है. तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स. देखिए इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जो आज का पॉइंट नंबर वन है, वो ये है कि आपने अगर आपकी शादी हो जाती है उसके बाद आप अपने जो आपका ससुराल है वही आपका घर है, आप अर्धांगिनी कहलाती हैं, मतलब आपके पति का जो है आधा पार्ट, मीन्स आपको जो उनका घर उनका परिवार एक ही कहते हैं ना, एक ही एड्रेस पे आपका बिल आता है, तो आप लोग अलग अलग कहीं से नहीं है. लेकिन अब जब बात करती हैं तो आप बात करते वक्त क्या होता है, आपके पापा आपकी मम्मी मेरे पापा मेरी मम्मी, ये सब बोलने से अच्छा ये चीज़ सोचिएगा फ्रेंड्स, अगर आप अगर ये बोलें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि हमारे पापा और हमारी मम्मी, कितना फ़र्क पड़ जाएगा सोचिए. आप जो वही मिलेगा आपको जो कि आप देती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी मम्मी ने ऐसा कर दिया, आपके पापा ने ऐसा कर दिया, तो वो चीज़ सुन लेते हैं, क्योंकि देखिए रिलेशंस आपके साथ भी उनको निभाना है. लेकिन एक्चुअली ये पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है. अगर किसी भी तरह से ये चीज़ उनको गलत लगती है और वो रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके रिलेशन पे फ़र्क आ सकता है. उसके बाद जो फ्रेंड्स आ जाती है, दूसरी चीज़ वही आ जाती है कि आप उनके काम की अहमियत को समझें. पूरे टाइम शिकायतों का पिटारा लेके बैठ जाती हैं कि आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते बिल्कुल, आपके पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है, बिल्कुल अटेंशन ही मुझे नहीं देते. जो भी टाइम आप साथ में बिताते हैं, जो भी टाइम आपको देते हैं, उसको अप्रिशिएट क्या करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए कि लाइक अगर वो बिजी भी है काम में तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि आप आज बिजी हैं, आज आपका काम है. देखिए पॉजिटिव अफर्मेशन एक पॉजिटिव वाइब बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब इतना उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप समझते हैं, फैमिली समझती है, बच्चे समझते हैं, आप समझती हैं ये चीज़ कि आज मेरा पति इस काम के लिए बिजी है. ये चीज़ उनको इस कॉन्फिडेंस से भर देगी कि अगर वो जरा भी टाइम जो जहाँ से भी थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं आपके काम में, तो वो सीधे आपके पास घर लौट करके आएंगे. इस चीज़ को मान लीजिए, आप सास ससुर की रिस्पेक्ट करें. देखिए इतना मुश्किल नहीं है, जैसे आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करती हैं, ऐसे उसी तरह से अपने इन लॉज को भी उतनी ही इज्जत दीजिए. क्योंकि अगर आप मन से तो उनको सास समझती हैं, ऊपर मुंह से भले ही आप उनको मम्मी बोल रही हैं, पर आप मन से उनको सास समझती हैं. ससुर जी को आप बोलती हैं पापा जी, फादर इन लॉ को अपने डैड बोलती हैं जो भी, लेकिन आप उनको अंदर से ससुरी समझती हैं अगर, और आपकी फीलिंग्स अगर उनके प्रति उसी तरह की है, जो भी शब्द बोले बहुत सोच समझ करके बोले एक एक शब्द. देखिए ये ऑरा है माय डियर फ्रेंड्स, एक रेजोनेंस एक होती है, जो चीज़ जो हम देते हैं ना अपने आसपास के वातावरण को, हमारे जो ब्रह्मांड को यूनिवर्स को जो चीज़ हम देते हैं, जैसा व्यवहार देते हैं, जो एनर्जी देते हैं, तो वो लौटकर हम तक वापस पहुंचती है वापस. अगर आप पॉजिटिव एनर्जी दे रही हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी, और अगर आप नेगेटिव एनर्जी दे रही हैं तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव एनर्जी ही फेस करनी होगी. एक एक शब्द को सोच समझ करके नाप तोल करके बोलिए, लाइक और एक दूसरा शिकायतों का पिटारा खोलकर मत बैठिए, आपकी मम्मी ने आज ऐसा बोल दिया, आपके पापा ने आज वैसा बोल दिया, इस चीज़ को बिल्कुल भी बंद कर दीजिए. और अपना एक्चुअली में पॉजिटिव माइंडसेट रखिए. गलत अगर कुछ है भी, मानती हूँ कि मैं देखिए बहुत कमेंट्स के अंदर मेरे पास 98% कमेंट्स लेडीज़ के इसी तरह के आते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, मदर इन लॉ ने आज इनकी मम्मी ने ऐसा बोल दिया, इनकी मम्मी ने वैसा बोल दिया, और हमको फ्रीडम नहीं देती हैं, हमको गलत बोल देती हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारी बंदिशें वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ को बहुत डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बोला है अपने वीडियोस में ये चीज़,
कि आप किस चीज़ को किस तरह से लेती हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सास अगर बोल रही है, क्योंकि वो बचपन से अपनी बेटी को पाला है, कि आज मेरी बेटी ये चीज़ अच्छी बनाती है, तो आपको ये सुनाई नहीं दे रहा कि आपकी ननद अच्छा बनाती है, आपको इनडायरेक्टली ये लगेगा कि आपको टॉन्ट कर रही है कि तुम ये चीज़ अच्छी नहीं बनाती, जबकि ये चीज़ इस तरह से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बनाती है, हाँ मम्मी जी अच्छी बनाती है, मैं भी कोशिश करूँगी उसी तरह से बनाने की, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो माइंडसेट है, ये दोस्तों हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है कि हम अपनी सोच को जिस डायरेक्शन में ले जाते हैं, हम वैसे ही बनने लग जाते हैं, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो। सही में बात, सही बात है ना। शिकायतों का पिटारा खोलकर मत बैठिए। जो भी हस्बैंड आपको टाइम देते हैं, उस टाइम की रिस्पेक्ट करिए। सारी वरीज से, सब चीज़ से फ्री होकर के आधा घंटा बैठ के साथ में चाय पीजिए, अच्छी वाली बातें करिए, और उस समय अपने मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। कोशिश करिए कि शिकायतों का पिटारा ना खोले, इधर की बुराई उधर की बुराई, आस पड़ोस की, अपने रिलेशंस की, या किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपकी सिस्टर की, आपके ब्रदर के, आपकी फैमिली के अंदर, या इवन जो भी, जस्ट जनरल और अच्छी हंसी खुशी वाली बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए आपस में। और सबसे बड़ी बात है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करिए। आज तो आज आपने बहुत वक्त दिया, आज बहुत अच्छा लगा, आज हम शॉपिंग करके आए, आज हम यहाँ घूम कर आए, आज हमने बैठ के बातें की, दिनों बाद इतना अच्छा लगा सच में। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट, जब हस्बैंड को एक पॉजिटिव एनर्जी आप देंगी, तो पॉजिटिव एनर्जी आप तक वापस लौटेगी। एक चीज़ और सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके पेरेंट्स, जब आपके कोई पुरानी आपकी फ्रेंड्स या आपके कोई दोस्त आकर के आते हैं आपके घर पे, आपकी मदर के पैर छूते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप उस चीज़ को दिल से प्यार करती है, एक्सेप्ट, मतलब उस चीज़ को बहुत खुश होती है कि देखिए ये मेरी फ्रेंड या मेरा जो दोस्त है वो मेरी मम्मी को कितनी इज्जत देता है, या मेरे पापा को कितनी रिस्पेक्ट देता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़, ये भी तो सोचकर देखिए, आप तो उनकी वाइफ हैं, अर्धांगिनी होने का फ़र्ज निभाइए। अगर आप उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देंगी, तो वो लाड़ प्यार के रूप में आपके ऊपर ही आएगी, वापस आपको देंगे वो। उनको लगेगा कि ये इतनी अच्छी लड़की है, मतलब कि हर एक तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करती है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाकर रखिए, अपने घर का माहौल अच्छा रखना आपके हाथ में है। कहते हैं जो बहू होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी के हाथ के अंदर ही है कि लक्ष्मी घर में कैसे आती है वापस। जो देंगे ना, देखिए वही लौटेगा वापस, ये चीज़ मान के चलेगा। ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी अपने पास नहीं रखता वो, जो चीज़ प्रतिध्वनि जो आप देंगे वही आप तक आएगी। कहीं पहाड़ पे जाके आवाज़ देते हैं आप, आपको आवाज़ वापस आती है लोनली प्लेस पे। यही जिंदगी का सरल और सिंपल सीधा साधा फंडा है, जो देंगे वही लौट कर आएगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और अगर आप नेगेटिविटी देंगे तो आपको नेगेटिविटी ही वापस मिलेगी। अगर पूरा टाइम यही बात करेंगी, आप मुझे टाइम नहीं देते, आपके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके आपकी परवरिश ऐसी, आपके मम्मी पापा ऐसे, और लाइक आपके पेरेंट्स ने मुझे ये बोल दिया, आपकी सिस्टर ने मुझे ये बोल दिया, या फिर आप तो बिज़ी रहते हो, बिल्कुल बिल्कुल वक्त ही नहीं देते हो घर को, तो इस तरह की बातों से क्या होता है कि फ्रेंड्स, अगर वो लाइक ही इज़ अ गुड पर्सन, आपको ये चीज़ मान के चलिए, बिलीव इट एंड लाइक एक्सेप्ट इट। जो आपकी सोच होगी ना, सामने वाला आदमी उसी तरह से बिहेव करेगा। कई बार आप नहीं सोचते कि मेरा एक काम हो जाए और आपकी विश पूरी हो जाती है, विद इन मतलब लेस देन, मतलब जो आप टाइम सोचा होता है उससे कम टाइम में पूरी हो जाती है। तो वो क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ऑरा होता है, जो आपकी सोच होती है, वो स्विच उस चीज़ को लेके पॉजिटिव है कि मेरा ये काम हो जाएगा। तो आपके ऊपर ही, आप अर्धांगिनी है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड रहती है कि आपको अपनी सोच को, अपने पति को लेकर किस डायरेक्शन में ले जाना है। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगी तो, बट ऑब्वियसली देखिए वो लौट करके वापस और आपके तक आएगा, एंड ही विल गिव यू लव एंड रिस्पेक्ट। तो इट इज़ बोथ द वेज माई डियर फ्रेंड्स, लव, रिस्पेक्ट, प्यार, इज्जत, ये सब चीज़ें लाइक मांगने से नहीं मिलती हैं, कमाना पड़ता है इनको। और कमाने के लिए एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, एक पॉजिटिव सोच का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत आपको आज से ही कर देनी चाहिए। टॉन्ट नहीं, डायलॉग नहीं, शिकायत नहीं, किसी भी तरह का शिकवा शिकायत नहीं, केवल एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, एक प्यार, एक रिस्पेक्ट, केवल ये फीलिंग्स रखिए। क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये फीलिंग्स जो होती है ना, एफडी की तरह होती है, आप अगर जैसा डिपॉजिट करेंगे वही मिलेगा आपको। अगर पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे तो पॉजिटिव फीलिंग्स आपको डबल होकर मिलेंगी, और अगर वही आप नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो नेगेटिव फीलिंग्स डबल हो जाएंगी। इसका उल्टा बिहेव करिए रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए, ये अच्छे हैं, इनका परिवार अच्छा है, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे आसपास का माहौल अच्छा है, मेरा पड़ोस अच्छा है, मेरे आसपास बिल्कुल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। रोज अपने आप से ये बातें कहना शुरू कर दीजिए, जो कहेंगी वही लौट करके आएगा। और आपको ये चीज़ इज्जत करवानी नहीं है, इज्जत कमानी है। ये हर नारी का नारा होना चाहिए, हर नारी और पुरुष का नारा होना चाहिए कि इज्जत कमानी है। और इज्जत कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है माय डियर फ्रेंड्स, ये इस चीज़ से तो वाकिफ ही होंगी। तो एक प्यार भरा रिश्ता बनाने के लिए
लिए पहल आपको करनी होगी। आपको अर्धांगिनी बन के दिखाना है, इनकी सारी कमियां मेरी, इनकी सारी अच्छाइयां मेरी, इनके सारे, इनकी ये बिजी है, इनके पास टाइम नहीं है, ये कोई बात नहीं है, इनका जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स मेरी, और जो उनके हल हैं वो भी हमको ही ढूंढने हैं दोनों को मिलकर के, क्योंकि यू बोथ आर वन फॉर लाइफ। जब नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, हर एक आदमी को लेके उल्टा शुरू कर देती है सोचना, मदर लॉ ने ऐसा बोल दिया उल्टा सीधा मेरे को, मेरे बारे में पता नहीं क्या गलत सोच रही होंगी और मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रही है, तो ये पॉलिटिक्स करने का जो सोचने का है ये चांस आप ही ने दिया है उनको। और रही बात हस्बैंड की, हस्बैंड भी बिजी हैं, बिजी होने का बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ हैं, ये सोच बन जाती है। इस तरह की सोच को मत रखिए, ये सोचिए कि मैं हर एक तरह से रिश्ता निभाने में साथ दूंगी, कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए हम साथ साथ हैं, और हर एक समस्या को सुलझाने के लिए उनकी मदद करूंगी। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा रिस्पेक्ट, ढेर सारा पॉजिटिव एफर्मेशन और सारी खुशियाँ लाइफ की दूंगी, रिश्ता निभाने में मदद करूंगी, ये परिवार अब मेरा है। इस सोच के साथ चल के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड, आपकी हस्बैंड तो क्या पूरा आप घर की फेवरेट बहू बन जाएंगी और आपके हस्बैंड आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये कुछ टिप्स थे माय डियर फ्रेंड्स। आपको बताइएगा वीडियो कैसी लगी मेरी, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर शेयर करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बींग अ वूमन। बाय बाय।